दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत पर सभी का ध्यान केंद्रित रहता है। जहां चुनाव एक त्योहार है जिसमें लोकतंत्र के रंग उभरते हैं और देश के सभी हिस्से उसमें समावेश होते हैं। सारा देश में केबे हबो निर्वाचन से नहीं मुख्य निर्वाचन कमिशन तारीख घोषणा करिछंती। देश में मोट सातटी पर्याय निर्वाचन हेबो और जून चार तारीख में फलाफल घोषणा हेबो। तबे एथर प्रार्थी होइछे नुआ नियम, दागी नेता माने टीवी और खबरकगज देबे निज निज अपराधिक रेकर्ड, विज्ञापन जरिया निजर अपराधिक रेकर्ड देखाइबे। तबे थरे किंबा दुई थर नुहे तीन थर निज अपराधिक बरणी देबे दागी नेता। प्रार्थी को जानवा लगी नो योर कैंडिडेट आप प्रचलन कर एबोले घोषणा करिसेंती मुख्य निर्वाचन कमिश्नर राजीव कुमार। उनके क्या असेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें केवाईसी के एप्लीकेशन में वोटर्स को देखने का अधिकार है, उनको मिलेंगी। और जिस किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है किसी भी कैंडिडेट का, उसको तीन बार न्यूज़पेपर्स में देना पड़ेगा, टीवी में देना पड़ेगा। अब पॉलिटिकल पार्टी को भी ये बताना पड़ेगा कि आपको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्रिमिनल कैंडिडेट बैकग्राउंड के खड़ा करना पड़ा तो बाकी क्यों नहीं मिला। आप बताइए व्हाट इज द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट हु हैज ए क्रिमिनल बैकग्राउंड। देन इन ऑर्डर टू क्लीन अप द एंटायर सिस्टम वी वांट टू यूज द टेक्नोलॉजी। सबुठारु बड़ कथा होची निर्वाचन कमिशन चलित निर्वाचन 537 टी राजनीतिक दल को बाहर करिसेंती। ए 537 राजनीतिक दल मध्यरु 284 दल को तालिकारु बाहर करा जायतिया बेले 253 टी राजनीतिक दल को इनएक्टिव करा जायछि। राजीव कुमार कहिसेंती राजनीतिक दल भाबे एमाने समस्त सुविधा सुजोग पाउथवा बेले निर्वाचनी माहौल खराब करछंती। हर फील्ड के अंदर में वी आर रेडी दैट हाउ वी वुड कंट्रोल दिस। क्या किया है, अराउंड 537 रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन टेकन आउट ऑफ द पॉलिटिकल स्पेस। वो क्या करती थी, किसी के नाम में कैंडिडेट खड़ा कर दिया, गाड़ियों की परमिशन ले ली, दूसरा कोई यूज कर रहा है, किस्म किस्म की भांति एंटाइटलमेंट ले लिया, भांति भांति का वो देवर क्लटरिंग द पॉलिटिकल स्पेस, क्राउडिंग आउट द जेन्युइन पर्सन। सो दैट इज व्हाट इट हैज बीन डन। निर्वाचन बेले जाति धर्म उपरे प्रचार न होबा दरकार, केही भी लक्ष्मण रेखा पार करबा उचित नुहे। प्रचार बेले हेड स्पीच उपरे नजर रहिबो, एहा सब प्रचार रे छोटो छुआंको व्यवहार करा जाई परिबो नाही। सेपरे सारा देश रे 2100 ऑब्जर्वर रहिबे, हिंसा शून्य निर्वाचन उपरे गुरुत्व दियाजबो। सब जिल्ला रे रहिबो गोटिए कंट्रोल रूम। सेपरे निर्वाचन बेले टंका बंटा उपरे सख्त नजर रहिबो, कौनसी प्रार्थी टंका बांटुले एने सीधा सड़क ईसी को अभियोग करहब, वोटर को मागणा जिनस बंटन को रोकाजिबो। इन ऑर्डर टू क्लीन अप द एंटायर सिस्टम वी वांट टू यूज द टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ द सिटीजन्स। सिटीजन्स बी प्लीज विजिलेंट। सो सी विजिल ऐप में कोई भी शिकायत अगर किसी सिटीजन्स को, किसी वोटर को करनी है, कहीं पर भी कोई पैसा बांटने का केस है, फ्रीबी बांटने का केस है, एक्सेस कैंपेनिंग का केस है, जस्ट टेक ए फोटो और टाइप टेक्स्ट, सेंड इट टू अस, वी विल कैप्चर योर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आर सेल्स। आप कहां पर खड़े हैं ये हम अपने से आपकी मोबाइल की लोकेशन से समझ लेंगे और आपको 100 मिनट के अंदर अपनी टीम भेजकर जो आपकी शिकायत है उसका निराकरण हम आपको करने देंगे। फ्रेंड्स, इस सारी चीज को करने में हमारे सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं। मैं आज आपके सामने उन चैलेंजेस की भी चर्चा करना चाहता हूं और ये भी बताना चाहता हूं कि इसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो मेनली चार चैलेंजेस हमारे पास हैं, 4 M's, मसल, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन एंड MCC वायलेशंस। मिछ खबर ऊपर हेबो कोटा कार्यनुष्ठान, सोशल मीडिया रो व्यवहार ऊपर मध्य रहइबो दृष्टि, फेक न्यूज परिवेषण ऊपर त्वरित तो एक्शन नियाजबो बोली कहा जाइछि। निर्वाचन को सरल करबा लागि टेक्नोलॉजी रो प्रयोग हेबो। सेपरि प्रति बूथ रे वेस्ट मैनेजमेंट व्यवस्था हेबो। स्वच्छ एवं निर्मल निर्वाचन पाई एथर 4 M को गुरुत्व देइछंती निर्वाचन कमिशन। सेगुड़ी कहला मसल पावर, मनी पावर, मिस इनफॉर्मेशन एवं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशंस। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।